नमस्कार, एम्पलाइफ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इतलाब किए वितरित। और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने झाबुआ जिले में थांदला स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण और असंगठित श्रमिकों के सम्मेलन में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। साथ ही उन्होंने 86,63,68,000 रुपए लागत के 21 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित और सम्मान का हमेशा ध्यान रखा है। किसानों की फसलों की वाजिब कीमत दिलाई जा रही है। 2.5 एकड़ तक की भूमि के स्वामित्व वाले लघु किसानों को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रदेश के लाखों श्रमिकों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना है, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने सिंगोड़ी में एक शासकीय महाविद्यालय और मरवाड़ा में आईटीआई खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के गांव ससली पहुंचे और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किए। उन्होंने गांव की शेष बची महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देते हुए कहा कि अब गांव के हर घर में गैस के चूल्हे हो गए हैं। ससली जिले का पहला धुआं मुक्त गाँव हो गया है। शीघ्र ही पूरा प्रदेश धुआं मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि 10 जून को प्रदेश के सभी पात्र किसानों के खातों में गेहूं उपार्जन की प्रोत्साहन राशि 265 रुपए प्रति क्विंटल के मान से जमा की जाएगी। मध्य प्रदेश में नहरों से सिंचाई का प्रतिशत आज बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो चुका है। ये 2003 में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बीते 14 सालों में नहरों से सिंचाई कार्य में 433% की वृद्धि हुई है। मंत्री मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से रूबरू होंगे। उधर सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने अपने प्रभार के झाबुआ जिले के थांदला स्वास्थ्य केंद्र का देर शाम औचक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री सारंग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। मंत्री सारंग थांदला में आम नागरिकों से भी मिले और उनकी समस्याओं को सुना। राज्य मंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग की जरूरतों और पीड़ा को समझकर कारगर योजनाएं बनाई हैं। साथ ही बजट का भी इंतजाम किया है। इन योजनाओं की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सब लोग जागरूक होकर इनका लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे। ये बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने मुख्यमंत्री जन कल्याण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से पात्र परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित हुए शिविर में मौजूद हितग्राहियों से कही। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।